ग्लोबल मंथन समाचार चैनल पर आपका स्वागत है। खबर संख्या एक, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की ओर से जोधपुर में 3 दिवसीय लोकानुरंजन मेला अशोक उद्यान परिसर और ओपन एयर थिएटर में 18 फरवरी से शुरू होगा। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष बिनाका जेश मालू ने यह जानकारी दी। खबर संख्या दो, 11 फरवरी की सुबह 4 बजे चाचा जगदीश के पास कंचन के जेठ का फोन आया और कहा कि कंचन की मौत हो चुकी है। परिवार मथुरादास हॉस्पिटल पहुंचा, लेकिन जब बेटी का हाल देखा तो सभी चौंक गए। बेटी के शरीर पर मारपीट के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी गर्म चीज से उसे दागा गया हो। मुंह से लेकर हाथ और पेट तक के हिस्से पर चोट के निशान थे। खबर संख्या तीन, पलासनी गांव पीपार थाना क्षेत्र में विवाहिता की मौत को लेकर 3 दिनों से लगातार धरने पर बैठे मोर्चरी के बाहर परिजन एवं समाज व गांव के लोगों द्वारा मोर्चरी के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। समाज के लोगों का आरोप है कि 3 दिनों से यहां पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा और न ही कोई राजनेता, इसको लेकर समाज और ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। खबर संख्या चार, जोधपुर में 2 बदमाशों ने एक मकान पर पेट्रोल बम फेंक दिया, इसके बाद से सनसनी फैल गई। इधर इस पूरी घटना का CCTV सामने आया है। इसमें साफ नजर आ रहा है कि बाइक सवार 2 बदमाश पहले बोतल पर आग लगाते हैं और इसके बाद इसे घर में फेंक देते हैं। अज्ञात लोगों ने घर पर पेट्रोल की बोतल के अंदर आग लगा के फेंक दिया है, जिससे कि आग लग गई थी वहाँ पे, जिसके अंदर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 436 IPC में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू की गई है और अज्ञात व्यक्ति जो है उनको ट्रेस भी कर लिया गया है और अग्रिम कार्रवाई जारी। खबर संख्या पाँच, हथियारबंद बदमाश ने 2 मिनट में बैंक से 5.40 लाख रुपए लूट लिए। पिस्टल के दम पर कैशियर समेत 3 लोगों को लॉकर रूम में बंद किया। बैंक अफसर की बाइक से फरार हो गया। तो मैंने सर भैया से क्या, अचानक से मैंने पीछे वाला गेट खोला नहीं, फिर बोला इधर इधर किया ना, तो मैंने गेट खोला तो उसने धक्का मारा अंदर, मैंने उधर मार रहा हूँ 2-4 मिनट चला, फिर उधर वो पिस्टल उसने ऐसे अंदर करी ना, तो मैंने उसको जो गेट होता ना उसके बीच में ऐसे बिल्कुल एग्जिट दबा दिया तो निकल पाया। फिर उसने हाथ वापस निकाल के फिर इधर वापस पिस्टल लेके आया, तो मैं सही तो मारेगा तो मैं साइलेंट खड़ा हो गया। खबर संख्या छह, पहाड़ों पर बर्फबारी और उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं ने राजस्थान में सर्दी फिर बढ़ा दी है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। सीकर के फतेहपुर में तो पारा 0 के पास पहुंच गया। जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर समेत कई शहरों में भी पारा सिंगल डिजिट में रिकॉर्ड किया गया। चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, करौली में यह 5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया। खबर संख्या सात, कोटा का MBS अस्पताल अनूठी शादी का साक्षी बना। यहां अस्पताल में भर्ती दुल्हन से शादी करने के लिए दूल्हा रामगंज मंडी से बारात लेकर पहुंचा। परिजनों की मौजूदगी में रविवार देर शाम दोनों की शादी हुई। अस्पताल में कॉटेज कमरा बुक करके शादी के लिए सजाया गया, जहां वरमाला व अन्य रस्में निभाई गई। फिलहाल दुल्हन का अस्पताल में इलाज चल रहा है। खबर संख्या आठ, इंडिया T20 क्रिकेट टीम के कप्तान हार्दिक पंड्या और नताशा स्टेनकोविक एक बार फिर से शादी करने जा रहे हैं। फंक्शन आज से उदयपुर में शुरू हो चुका है, यह अगले 2 दिन तक चलेगा। 14 तारीख यानी वैलेंटाइन डे को शादी होगी। इससे पहले दोनों ने 31 मई 2020 को कोर्ट मैरिज की थी। हालांकि इस बार वे पारंपरिक रीति रिवाज से शादी करेंगे। फंक्शन रेफरेंस होटल में होंगे। बता दें कि उनका 2 साल का बेटा अगस्त्या भी है। खबर संख्या 9, केंद्र सरकार अडानी ग्रुप हिंडनबर्ग मामले में जांच कमेटी बनाने को तैयार हो गई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट को सील बंद लिफाफे में कमेटी मेंबर्स के नाम देंगे। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट अडानी ग्रुप के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से जुड़ी 2 जनहित याचिकाओं पिल पर सुनवाई कर रहा है। खबर संख्या 10,
यूपी में मैथदिल्ली रोड पर रविवार रात रोडरेज की हैरान करने वाली घटना हुई। यहां एक कंटेनर ने कार को टक्कर मार दी। चालक कार को सड़क पर खड़ा करके कंटेनर ड्राइवर को समझाने गया। इस पर दोनों में बहस शुरू हो गई। फिर गुस्से में कंटेनर ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दौड़ा दी। मैं गाड़ी फंसा कर खींचा लाया, मेरी चार लड़के और बैठे हुए थे जिनको भी उनके साथ ही खींचा हुआ लाया। घटना के वक्त कार में तीन युवक बैठे थे, उन्होंने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई। खबर संख्या 11। दो दिन पहले ट्विटर पर हैदराबाद के एक डॉक्टर का ट्वीट पढ़ा। डॉक्टर ने स्मार्टफोन की वजह से एक महिला के आंखों की रोशनी जाने की डिटेल दी थी। एक 30 साल की महिला मंजू की आंखों के साथ कुछ अजीब हो रहा था। उसे आंखों के सामने डार्क जिगजैग लाइन दिख रही थी। दिन भर में 1 से 2 सेकंड के लिए बिल्कुल ही दिखाई देना बंद हो जाता था। खबर संख्या 12। चीन के कथित स्पाई बैलून जासूसी गुब्बारे के अमेरिका में घुसने का मामला दोनों देशों में तल्खी बढ़ा रहा है। अमेरिका ने पिछले दिनों इस बैलून को मार गिराया था। इसका मलबा भी चीन को लौटाने से इनकार कर दिया था। अब चीन ने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा किसी भी बैलून का दूसरे देश में घुस जाना नॉर्मल बात है। 2022 से अब तक 10 अमेरिकी गुब्बारे चीन में घुस चुके हैं। खबर संख्या 13। रूस से हथियार खरीदने के मामले में भारत पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी ने रविवार को यह दावा किया है। एजेंसी के मुताबिक पिछले 5 सालों में रूस ने करीब $13 बिलियन यानी 1,00,000 करोड़ रुपए के हथियार भारत को सप्लाई किए हैं। भारत ने इस दौरान रूस से $10 बिलियन के हथियार मांगे थे। खबर संख्या 14। रैपर MC स्टैन ने रविवार रात को बिग बॉस 16 का खिताब जीत लिया। शिव ठाकरे रनर अप रहे। यह सीजन 4 महीने चला। इनाम में रैपर को 31 लाख रुपए और एक लग्जरी गाड़ी मिली। इससे पहले स्टैन MTV के विनर रह चुके हैं। खबर संख्या 15। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनकी वाइफ आलिया के बीच लड़ाई काफी आगे निकल गई है। आलिया ने नवाज का चुपके से एक वीडियो बना लिया था। अब इस मामले में कंगना रनौत का रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा है कि नवाज की ये स्थिति देखकर उन्हें रोना आ रहा है। कंगना का कहना है कि नवाज को उनके घर के बाहर बेइज्जत किया जा रहा है, ये देखकर उनका दिल टूट गया है। उन्होंने आलिया पर तंज कसते हुए कहा है कि जब दोनों अलग हो चुके हैं तो किस अधिकार से आलिया उनके बंगले पर हक जमा रही है। खबर संख्या 16। न्यूली वेड कपल सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने अपनी ग्रैंड वेडिंग के बाद से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। जैसलमेर में अपनी शादी के बाद कपल ने मुंबई में अपनी जबरदस्त रिसेप्शन पार्टी रखी। इस पार्टी में अजय देवगन काजोल, आलिया भट्ट, वरुण धवन, पति सिद्धार्थ रॉय कपूर के साथ विद्या बालन, अनुपम खेर, शिल्पा शेट्टी, विक्की कौशल सहित तमाम सितारे नजर आए। इसी बीच कियारा सिद्धार्थ ने अपनी रिसेप्शन में जमकर डांस किया, जिसका एक इनसाइड वीडियो सामने आया है। खबर संख्या 17। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ जल्द फिल्म बड़े मियां छोटे मियां में साथ नजर आने वाले हैं। एक्शन फिल्म होने की वजह से दोनों ने अपने फिजीक पर खूब मेहनत की है। हाल ही अक्षय ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो टाइगर और फिल्म की स्टार कास्ट के साथ वॉलीबॉल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो के साथ खिलाड़ी कुमार ने टाइगर को लेकर इमोशन कैप्शन भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने फिल्म में टाइगर के साथ शूटिंग के एक्सपीरियंस के बारे में बताया। इसके अलावा अक्षय ने टाइगर की तारीफ भी की। खबर संख्या 18। जेमिमा रोड्रिग्ज की अर्धशतकीय पारी के दम पर भारतीय टीम ने विमेन्स T20 वर्ल्ड कप में जीत से आगाज किया। हरमनप्रीत कौर की लीडरशिप में उतरी टीम इंडिया ने अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। पाकिस्तान क्रिकेट ने ट्विटर पर वीडियो शेयर किया। इसमें मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटर आपस में गले मिलते और हंसी मजाक करते नजर आए। खबर संख्या 19। भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार 13 फरवरी 2023 को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 250 अंकों गिरकर 60,431 के स्तर पर बंद हुआ।
वहीं निफ्टी भी 93 अंक की गिरावट के साथ 17,763 के स्तर पर आ गया है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 शेयरों में गिरावट और सिर्फ 12 शेयरों में तेजी देखने को मिली। अडानी ग्रुप के सभी शेयरों में 5% की गिरावट। खबर संख्या 20। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि नई टैक्स रिजीम से मिडिल क्लास को लाभ होगा, इससे उनके हाथों में ज्यादा पैसा बचेगा। निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023 से 24 के बाद आरबीआई की कस्टमरी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में शनिवार 11 फरवरी को हिस्सा लिया। इस मीटिंग के बाद सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई टैक्स रिजीम को लेकर यह बात कही है। खबर संख्या 21। हरियाणा के चरखी दादरी में शादी में कार न मिलने पर दूल्हा फरार हो गया। उसने फेरों के ऐन वक्त कार की डिमांड रख दी, जिसे लड़की के परिवार वाले पूरा नहीं कर सके। यह जानकर उसने चक्कर आने का बहाना बनाया। परिवार वाले आनन फानन में अस्पताल जाने की बात कहकर उसे ले गए। वहां से दूल्हा रफू चक्कर हो गया। पुलिस ने दुल्हन के परिवार की शिकायत पर वर पक्ष के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, जिसमें दूल्हे वालों का पूरे मामले पर पक्ष सामने आएगा। अगर आप दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।